हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे और आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। और अभी दोपहर के 12:30 बज चुके हैं, बाकी सब काम तो कंप्लीट हो गया है और अब मैं गाजर पाक बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो ये देखिए, गाजर छील के और धो के ले आई हूँ। अब इनको बैठ के कस लूँगी और कसने के बाद फिर मैं इनको पहले कुकर में सीटी लगवाऊंगी। इसमें क्या होता है ना कि एक तो गाजर पाक जल्दी से बन जाता है और फिर कढ़ाई भी मेरी ज़्यादा बड़ी नहीं है, गैस के हिसाब से छोटी कढ़ाई है। तो फिर एक तो जैसे मैं इनको सीटी लगवा दूंगी तो ये कम हो जाएंगी। जो हमारी कसने के बाद कच्ची गाजर होती है वो तो फूली फूली ज़्यादा होती हैं, लेकिन जब सीटी लगवा देते हैं ना तो वो पिचक के आधी हो जाती हैं। और फिर उसको कढ़ाई में डाल के थोड़ी सी देर चला दूंगी तो जो एक्स्ट्रा पानी होता है गाजर का वो भी अंदर ही सोख जाएगा। फिर मैं जो है 2 दिन की मलाई इकट्ठी करके रखी हूँ, वो मलाई और उसमें लगभग 1 किलो दूध डाल के और गाजर पाक बना लूंगी। देखिए, गांव में गाजर पाक बनाते हैं ना वो एक अलग ही बात होती है। बड़ा सा चूल्हा बना लेते हैं, बड़ी सी कढ़ाई होती है, 10-12 किलो दूध का गाजर पाक एक बार ही बना लेते हैं। लेकिन शहर में रहते हैं भाई, छोटी कढ़ाई में थोड़ा थोड़ा करके बार बार बना लेंगे, बस इतना ही फर्क होता है। और अभी बीच में कई दिन से मैंने गाजर के सूसले भी नहीं बनाए हैं, वरना मैं कुछ ना कुछ हर रोज बच्चों को बना के खिलाती रहती हूँ कि सर्दियाँ हैं और गाजर तो सेहत का खजाना होती हैं, कुछ ना कुछ बना के देती रहती हूँ। लेकिन अभी 3-4 दिन से बारिश हो रही थी, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था तो मंडी में भी नहीं जा पा रहे थे और सब्जियां भी लगभग सारी खत्म हो चुकी थी। सिर्फ टमाटर, आलू, हरी मिर्च ये चीज़ें बची हुई थी। तो बस ये होता है, टमाटर हरी मिर्च होती है ना, तो कभी दाल बना दी, छोले राजमा इस तरह से बना के काम चला रही थी। और कल भी मेरे जेठ का बेटा संदीप गया था मंडी में, उसी ने वहाँ जाके फ़ोन किया था कि मैं मंडी में आया हुआ हूँ, अगर कोई सब्जी वगैरह मंगवाना चाहते हो तो बता देना, मैं ले आऊँगा। तो उससे भी मैंने ज़्यादा सब्जियाँ नहीं मंगवाई हैं, 5 किलो गाजर और भिंडी मंगवाई हैं कि बाकी मैं बाद में मंगवाऊँगी सोच के कि क्या क्या मंगवाना है। फिर ये भी होता है कि वो अपनी सब्जियाँ लेने के लिए गया हुआ है, फिर साथ में हमारी भी अगर इतनी सारी हो जाती हैं तो अकेला आदमी परेशान हो जाता है। तो ये गाजर मैंने कल उसी से मंगवाई थी और अब तो काफ़ी कड़ाके की ठंड पड़ रही है ना, तो गाजर भी देखिए बिल्कुल लाल लाल आ रही है। जब गर्म दिन हो जाते हैं ना तब गाजर में भी स्वाद नहीं रहता है, ऑटोमेटिक इसका स्वाद खत्म हो जाता है। तो अब मौसम भी बढ़िया है गाजर पाक बनाने के लिए। तो ये लगभग मैंने 2 किलो गाजर ली हैं कि 2-2.5 किलो गाजर का मैं गाजर पाक बना लेती हूँ और आप सबसे मिल भी लेती हूँ। और जैसे मैंने कल वीडियो अपलोड की थी, मेरी ननंद का सूट भेजा था, तो एक बहन है मेरे से तो छोटी है, वो एज में जिस हिसाब से उनके कमेंट्स होते हैं उस हिसाब से मैं पढ़ती हूँ, तो मेरे से एज में छोटी है। तो उन्होंने पूछा है कि मुझे भी मतलब मेरी ननंद का मकर संक्रांति का सीधा भेजना है, तो जो सूट वगैरह देते हैं वो मैं अपने पास से भेजूँ या हस्बैंड किससे पैसे लेकर भेजूँ? वैसे मेरे हस्बैंड मुझे पैसे देते तो है नहीं, मेरा जो भी खर्चा है मायके से ही चलता है। तो देखिए बहन, चाहे तुम अपने पास से दे लो, चाहे हस्बैंड की कमाई में से सूट ला के दे दो, अगर ठंडे दिमाग से सोचोगी ना तो जाना आपके घर से ही है। वो कहते हैं ना कि जब हमारा बेड बिछा है ना तो चाहे इधर सिर करके लेट जा, चाहे इधर सिर करके लेट जा, बात एक ही है, कुछ फर्क नहीं पड़ना है। हाँ, अगर मान लिया अपने पास से 2 ही सूट हैं और पहनने के लिए भी नहीं बचे हुए हैं, वो 2 सूट आपको सिलवाने हैं तो आप उनको अपने लिए सिलवा लीजिए और एक सुलझे हुए दिमाग के साथ अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट करिए कि देखिए आपकी बहन का जो है ना सीधा भेजना है और मेरे पास इस टाइम पे सूट है नहीं कि मैं उनके लिए भेज दूँ, तो आप या तो मुझे पैसे दे दीजिए या एक सूट उनके लिए ला के दे दीजिएगा, या फिर आप ऐसा कर लीजिएगा कि उनको जो है पैसे भेज दीजिए सूट के, तो ऐसा हो सकता है। बाकी मैं ये बात नहीं मानती हूँ कि भाई हस्बैंड पैसे नहीं दे रहा है तो वो आपका ख्याल नहीं रखता है, नहीं। देखिए, मानती हूँ कि सबका जीने का तरीका जो है ना अलग अलग होता है,
लेकिन ये भी बात याद रखिएगा कि अगर आपके हस्बैंड कमा रहे हैं ना, तो सिर्फ आपके लिए और आपके बच्चों के लिए कमा रहे हैं, वो किसी और के लिए नहीं कमा रहे हैं। भले ही वो आपको मतलब हाथ पे ला ला के तनख्वाह नहीं रखते हैं, लेकिन आपकी ज़रूरतों का वो ज़रूर ख्याल रखते हैं। तो आपको भी उन्हें समझना पड़ेगा। ये नहीं होता है कि भाई हमें ये मान के चले कि मेरे तो एक पैसा नहीं देता है। होते बहुत से आदमी क्या होते हैं कि औरत जो मांगती है ना, वो चीज़ें उसको ला के दे देते हैं, लेकिन उसके हाथ में पैसे नहीं रखते हैं। लेकिन चीज़ें तो फिर भी ला कर देते ही हैं, घर का राशन है, पानी है, जो ज़रूरत का सामान है वो उनको ला के देते हैं। हाँ, हो सकता है कि कुछ जो है अपनी पर्सनल चीज़ें होती हैं, कुछ ख्वाहिशें होती हैं, उनको वो पूरा करने में नाकाम होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि एक दूसरे को समझा ना जाए। भाई जो जैसा होता है उसके साथ वैसे ही एडजस्ट करना पड़ता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि देखिए, कोई भी पति हो या अपनी पत्नी को वो तभी कमाई देता है जब वो पत्नी उसका पूरी तरह से विश्वास जीत लेती है, उसको पूरी तरह से ये यकीन हो जाता है कि ये घर को चलाने में सक्षम है, एक भी पैसा इधर से उधर ये उल जुलूल में ख़त्म नहीं करेगी, जहाँ भी लगाएगी सोच समझ के लगाएगी। लेकिन जब आदमियों को ये लगता है ना कि मैं इसको 1000 रुपये दूंगा तो ये 500 रुपये तो अपने मेकअप में उड़ा देगी, या अपने खाने खर्चे में उड़ा देगी, या उधर उड़ा देगी, तो वो ज़्यादा ही कंजूसी करते हैं, वो फिर देते नहीं हैं। इसलिए हर औरत को सोच समझ के खर्चा करना चाहिए, चाहे कमाई कितनी भी क्यों ना हो, उसमें से बचत करना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे कमाई थोड़ी हो चाहे ज़्यादा हो। तो भाई देखिए, सूट जो है चाहे अपने पास से दे दिए, चाहे या हस्बैंड की कमाई में से देना, जाएगा आपके घर से ही, इसमें कुछ अलग नहीं है। क्योंकि पति और पत्नी कोई ये कहे ना कि दो होते हैं, मैं नहीं मानती, दो नहीं होते, एक ही होते हैं। अर्धांगनी ऐसे ही नहीं बोला जाता उसको, वो आधे अंग की साझी होती है उसकी, उसके सुख में भी दुख में भी साथ खड़ी रहती है, तभी उसको अर्धांगनी बोला जाता है। इसलिए आपको जो है ना ये चीज़ समझ के चलनी चाहिए। अगर मान लें आपके पास से 4-5 सूट रखे हुए हैं तो क्या करोगे उनका? मान आने वाले टाइम में तो वैसे उनकी रीति रिवाज चली जाती है, अगर दो में आपका काम चलता है तो दो में अपना काम चला लो, एक सूट उसमें से ननद का दे दो, तो इसमें क्या दो पैसे आपके घर के बच जाएंगे, वो आपके ही काम आने वाले हैं। तो भाई बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को देख लाइक शेयर जरूर कर दिया करो। बाकी मैं जैसी जिंदगी खुद जीती हूँ ना, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये नहीं होता है कि मैं यहाँ पे बात कुछ और कर रही हूँ, जिंदगी कुछ और तरीके से जी रही हूँ, नहीं। मेरा मानना तो यही होता है कि जो हमारी गृहस्थी होती है ना, मियाँ बीबी उसके दो पहिये होते हैं। अगर एक पहिया भी ढीला हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है ना, तो गाड़ी चलती नहीं है, धक्के लगाने पड़ते हैं। जब दोनों पहिये मजबूत होते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो ये गृहस्थी की गाड़ी दौड़ लगाती है, फिर इसमें कहीं रुकावट नहीं आती है। तो भाई अगर अच्छी लगी हो तो इसको अपने जीवन में जरूर अपनाने की कोशिश करना, और फिर देखना आपकी गृहस्थी में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। ऐसी कोई मियाँ बीबी की जोड़ी नहीं होती है जिसमें छोटी मोटी तू तू मैं मैं ना होती हो, छोटी मोटी नोक झोंक ना होती हो, हर किसी में होती है। और सच बताऊं, ये नोक झोंक जो होती है ना, इससे प्यार बढ़ता है। जब तक एक दूसरे के साथ थोड़ी बहुत खटपट नहीं होती है ना, तो उसको पूरे रूप से मतलब पूर्णतया जांच करने की हिम्मत ही नहीं मिलेगी, तभी हम उसको समझ सकते हैं। जब छोटी मोटी नोक झोंक चलती रहती, तो इनको मतलब ना इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए कि भाई अभी हुई है और उसको पूरा दिन खींच दे, नहीं, अभी हुई है ना तो अभी के अभी उसको खत्म करके उठो, और 10 मिनट के बाद वहीं प्यार से मिलजुल के गृहस्थी की गाड़ी को आगे बढ़ाओ, यही हमारा जीवन है। चलो भाई, गाजर जो है ना अब कस लेती हूँ, फिर इनको कुकर में सीटी लगवाऊंगी। और कल मैंने राशन भी मंगवाया था विशाल के पापा जी से, घर का काफ़ी सारा राशन ख़त्म हो गया था। और वैसे मैं 15-20 दिन से इनको बोल रही थी कि लाओ भुने हुए चने के लड्डू बना देती हूँ, दोनों बेटों ने तो मना कर दिया था कि मम्मी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, और विशाल के पापा जी ऐसे हैं बच्चे नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। तो मैंने कहा ये क्या बात हुई, बच्चे नहीं खाते हैं तो कम से कम तुम तो खाओ, खाओगे तो तुम्हारे शरीर में जान रहेगी, गाड़ी तभी चलती है जब उसमें पेट्रोल डलता है। तो इसलिए फिर कल मैंने जोर जबरदस्ती करके और भुने हुए चने के लड्डू का सारा सामान मंगवा लिया है कि बना देती हूँ, चलो एक आध बच्चे खा लेंगे बीच बीच में, उनका मन करेगा, नहीं तो फिर तुम सुबह अपना 1-2 लड्डू और दूध पी लो तो तंदुरुस्ती आएगी शरीर में, खाओगे तो जान रहेगी।
तो वो सारा सामान भी कट्टे में ही रखा हुआ है। कुछ घर का सामान खत्म हो गया था, कुछ लड्डू बनाने का सामान मंगवाया था वो भी निकाल लूंगी। तो फिर मैंने पहले ये सोचा कि गाजर कस के और इनको सीटी लगवाने के लिए रख दूंगी। इसमें सीटी आएंगी तब तक तो मैं कट्टे को खाली करके और सारे सामान को उसकी जगह पे सेट कर दूंगी। और ये छोटी सी जो मैंने अभी वीडियो बनाई है इसको मैं आज के आज अपलोड कर रही हूँ। कल के लिए जो ब्लॉग आएगा वो मैं अलग से बनाना शुरू करूंगी। बस ये तो ये था कि एक बहन ने रिक्वेस्ट की थी कि कुछ इसके बारे में बताइए ताकि मैं भी अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाऊँ, कुछ समझ पाऊँ। तो वही बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।